हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस तरह का टेस्टी लड्डू बनाना है बहुत ही कम घी में, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। सिर्फ छोटे वाले टेबल स्पून से 3 चम्मच घी में ही ये 1/2 kg से ज़्यादा लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए, हमने साबुत गेहूँ लिया था, उसे भून कर थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने ग्राइंडर में चला लिया, जिससे हमने दलिया निकाल ली है। ये मैंने 10 से 15 किलो गेहूँ का बना लिया था, ताकि भून के बनाया था ताकि कीड़े ना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, गेहूँ घर में पड़ा था, दलिया नहीं मिल पा रही, पिसाने कोई जा नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा इसका यूज़ कर लें। देखिए, ये दलिया है और इस तरह छान के हम इसके जो बारीक कांटे वाला पोर्शन होता है, यानी मोटा दानेदार आटा सूजी जैसा, उसे हमने इस तरह से निकाल लिया है। इसकी मात्रा मैंने कोई नहीं रखी है, पर ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 कप तक होगा, और अगर आपके पास 1 कप हो तो आप 1/2 कप दूध डालिएगा। या तो दूध को डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा दूध गर्म करने के बाद ठंडा हो, थोड़ा गाढ़ा दूध हो। और मैं डाल रही हूँ, देखिए अभी मैंने 1/2 कटोरी इसे लिया है, और दूध इतना डालना है ताकि ये सॉफ्ट डो फॉर्म में आ जाए, उसके बाद इसे हमें छोड़ देना। ये मैं 1/2 कटोरी पूरी दूध को डाल दे रही हूँ। ये मोटा मोटा है और काफ़ी दानेदार है, 1/2 मैंने डाल दिया है और मैं डालूँगी, क्योंकि ये अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से बाइंड नहीं हुआ है, इसे हमें बाइंड करना है, क्योंकि फूलने के बाद ये जो है, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। मैं फिर 1/2 कटोरी दूध डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा 1/2 कटोरी से ज़्यादा ही है ये, इस तरह से हम देखे डाल देंगे। और दूध इतना आपको डालना है ताकि आटा जो है हमारा अभी सॉफ्ट से बाइंड हो। ये दानेदार हैं पूरी तरह, मोटी वाली सूजी की तरह है, और इसे इस तरह से हम डो फॉर्म में लाएंगे। इससे मैं बहुत ही अच्छा टेस्टी एंड हेल्दी हलवा भी बनाती हूँ, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ के छिलके हैं, और इस तरह फिर हम इन्हें एक साथ इकट्ठा करके ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट आप रख दीजिए, 10 मिनट रख दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 20 मिनट तक इसे छोड़ दे रही हूँ। हमारा जो गेहूँ का मोटा वाला चूरे टाइप था, अगर आपके पास गेहूँ का ये निकला हुआ मोटा वाला आटा ना हो, जो दलिए का, तो दलिया आप लीजिए और उन्हें भून लीजिए, भून के फिर इसे पीस लीजिए, सूजी जैसा तैयार हो जाए। ये आपको डो दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है, इसलिए बहुत दानेदार इसकी रोटी बनेगी। मैं अक्सर रोटी भी इसकी बनाती हूँ आटे में मिक्स करके। 2 भाग में हम इसे कर लिए हैं, अब इन्हें हम ज्वाइंट कर लेंगे और इस तरह से हम इसे कर लेंगे। उसके बाद इसकी रोटी आप चाहें तो बेलन से बना सकते हैं, पर मैं इसे हाथ से बना ले रही हूँ। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। देखिए, हमने इसे इस तरह से पूरा बेल कर तैयार कर दिया। अगर आप लगे आपके हाथ में चिपक रही है, तो आप क्या कीजिए, इसे घी लगाकर इस तरह से फैला लीजिए। अब हम इसे सेकना स्टार्ट करेंगे। तवा गर्म हो रहा है, तवा हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ, ज़्यादा गर्म इसे नहीं करना है, और एकदम लो फ्लेम में हम इस रोटी को बनाएंगे, नहीं तो जो ये हमारा दलिया वाला आटा है, यानी गेहूं का मोटा आटा, ये अंदर से पकेगा नहीं और काफ़ी अच्छे से तैयार नहीं होता। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे डाल दिया, और अब इसे फिर से हम हाथ से ऐसे से फैला लेंगे। फ्लेम को एकदम कम रखेंगे और जितना चाहें इसे फैला सकते हैं। इसी तरह कम रख के हम इसे एक साइड 5 मिनट तक पकने देंगे, और दूसरी साइड तब उसके बाद ही हम पलटेंगे। एकदम फ्लेम को आपको कम रखना होगा। ये 3 मिनट हो चुके हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख ले रहे हैं कितना हुआ है ये, क्योंकि फ्लेम एकदम लो पे है। देखिए, ये टूट भी गई, क्योंकि बहुत करारी ये रोटी है, और ये ग्लूटिन फ्री है, क्योंकि हमने इसे भून कर फिर बनाया है, तो आटे में जो लहसुन की प्रवृत्ति होती है, वो इस वाले आटे में गेहूं का लहसुन पना खत्म है, इसीलिए आसानी से दानेदार लड्डू इसके बनेंगे। इसके आप देख रहे होंगे काफ़ी दाने दाने दिख रही है इसमें से सूजी जैसी। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक देंगे, और देखिए ये अब तैयार हो चुकी है इस तरह। थोड़ा सा हम इस साइड भी सेक लेंगे, और इस तरह से हमने सेका। इसे फिर हम उतार देंगे, और दूसरी रोटी जो हम डालेंगे, तो हमें फ्लेम तब भी कम रखना है, और क्योंकि मैं हाथ से ही इसके ऊपर फैलाकर इसे पतला करूंगी, इसे मैं उतार ले रही हूँ। देखिए, उतारते समय ही ये काफ़ी अच्छी से क्रिस्पी दिख रही है, और अब दूसरी रोटी हम लेंगे, जो मैंने पतला नहीं किया है, बहुत बारीक। देखिए, ये मोटी सी है, पर इसे मैं
इसी तवे पर अच्छे से प्रेस करके फैला लूँगी। और इसकी घी आप चाहें तो तुरंत ही डाल सकते हैं नीचे से, ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह ये जो घी था वो पिघल गया है, मैं देखिए इस तरह से इस पर लगा दे रही हूँ ये पूरा, और ये धीमे धीमे पूरी रोटी में फैल जाएगा। और नीचे की तरफ भी जो घी हमें लगाना है उसे भी मैं इसी तरह से इस तवे के साइड्स में छोड़ दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से मर्ज कर जाए रोटी में। थोड़ा घी लगाना है, ये देखिए इस तरह से घी को हमें फैला लेना है सब तरह। देखिए ये रोटी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे इसी तरह तोड़ लेंगे। आपको ठंडे होने के बाद तोड़ना है हाथ से, देखिए अभी हम इसे तोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। इसी तरह हम दोनों रोटी अपने तोड़ लेंगे और एकदम अच्छी तरह से जब ये ठंडी हो जाए तब आपको ग्राइंडर में इसे पीसना है, नहीं तो ये पूरे आपस में चिपचिपे हो जाएंगे, दानेदार लड्डू इसके नहीं बन पाएंगे। देखिए ये है कितना अच्छा पूरी तरह टूट गया। रोटी देखिए एकदम ठंडी हो गई है, तो इसे मैंने जब तोड़ा तो एकदम चूर चूर बन गई, ये देखिए इसीलिए आपको ठंडी कर लेनी है क्योंकि ये पहले ही सही भुना आटा था तो ये अच्छे से और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन गई है। इसीलिए जब आप दलिया यूज़ कीजिए या गेहूँ तो भून के ही इसकी दलिया बनाइए या खरीदी हुई दलिया को ही भून लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा दो रोटियों में कितना ज़्यादा हमारा ये तैयार हुआ है। अब हम जार लेंगे, जार मैंने बड़ा साइज़ का लिया है क्योंकि मेरा मीडियम जार और चटनी वाला जार ख़राब हो गया है, तो मैं इस जार में ही इसे ग्राइंड करूँगी। अब देखिए हम इसे छन्नी छानेंगे, इस आटा वाले इसे मोटा यानी जो चावल छाना जाता है जिससे टूटा चावल उससे हम छानेंगे ताकि रवे मोटे निकलें। और इसे इस तरह से क्योंकि कुछ पोर्शन से इसका खड़ा है, मैंने बताया था कि मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया है बाकी जार, तो ये अच्छे से उतना नहीं पीस सकता। अगर आप बीच वाले जार से ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा मोटा मोटा ही ग्राइंड करना था। ये देखिए इस तरह से हमें रवे निकालने थे, रवेदार बनाना है लड्डू, और फिर जो बाकी बचा रहेगा उसे मैं फिर से पीस लूँगी। इसी तरह हम सारे पोर्शंस को छान कर तैयार कर दे रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन उसे फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा जो बाकी है इसी के अंदर मैं डाल दे रही हूँ 5 इलायची, इलायची के छिलके उतार कर हमें बीज को डालना होगा ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इन्हें हम फिर पीस लेंगे। और इसके बाद मैं बूरा बनाई थी यानी चीनी पीसा था, थोड़ा सा फ्रिज में रखने के कारण गांठें पड़ गई, तो इसे हम क्योंकि हमारे यहाँ चीटी लगती है इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इसे भी इसी के साथ ग्राइंड कर ले रहे हैं ताकि ये भी मिक्स हो जाए। ये एक कटोरी था हमारा यानी जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी नापा है अपना सूजी, सेम उसी से हमें नापना है 1 कटोरी। ये हमारी 1 कटोरी चीनी है छोटी कटोरी से, यानी जो पोर्शन हमने रखा था बनाकर उसका हाफ पोर्शन हमें लेना है। जैसे हमने ये पूरा पोर्शन तैयार किया है तो इसका हाफ पोर्शन हम ऐसे हाफ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इतनी ही चीनी लेनी है। सेम उसी तरह आप ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा। मैंने देखिए 2 हिस्सा करके आपको दिखाया था अगर आपके पास नाप ना हो तो, और ये मैंने फिर इनको बोला था आपको क्रश कर लेंगे जो बचा हुआ पोर्शन था, और इलायची डाल के इसे हमने क्रश कर लिया। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता डाल रहे हैं, अपने पसंद के अनुसार आप डाल लीजिएगा। और ये देखिए चेरी, 8-10 बादाम, 8-10 काजू, इन्हें हमने चॉप कर लिया है और इनको हम डाल देंगे। ये हम नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप ये 3 चम्मच डाल दे रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो आप नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिएगा बारीक या ग्राइंडर में चला लीजिएगा। ये देखिए हम इसे इस तरह करेंगे मिक्स, और इसमें आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो मत डालिए, तो भी ये लड्डू अच्छे से बन जाएगा क्योंकि बनाते समय हमने घी का यूज़ किया था। और अगर आप घी ना डालना चाहते हो तो 2 चम्मच गुनगुना दूध डालकर भी आप इसे बांट सकते हैं। जैसे हेल्थ कॉन्शियस आप लड्डू बना रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को मैंने गर्म कर लिया है और सिर्फ हम 2 चम्मच पिघला हुआ घी ही ऐड कर रहे हैं। देखिए ये लड्डू अब अच्छे से बाइंड हो जाएगा, इसे हम इस तरह से करते हुए बाइंड करेंगे, पूरा मिक्स कर लेना है आपको। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया, और अभी आप चाहें तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें बाइंडिंग होने लगा है। वैसे तो मैं 3 चम्मच ही घी लाई थी, पर हम 1 चम्मच घी बचा लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच में ही लड्डू बना ले रहे हैं। इस लड्डू को इस तरह से करेंगे बहुत अच्छे से ये बाइंड।
मैंने टेस्टी लड्डू देखिए बनाकर तैयार कर दिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है, हेल्दी भी है और उतना ही डिलीशियस है। मैं आपको देखिए एक लड्डू तोड़कर दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ही कम चीनी और घी का इस्तेमाल मैंने किया है, क्योंकि इसे रोटी बनाकर बनाया गया था, तला नहीं गया है। देखिए इसे तोड़ रहे हैं, कितना सॉफ्ट है ये देखिए, और एकदम दानेदार बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। इसको बंद।